जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस पॉइंट टीआरपी अपडेट्स में। आज की वीडियो में आप लोगों को लेकर आने वाले हैं हम जेकेपी गुलशन ग्राउंड की भर्ती के बारे में। आप लोगों को बता दें कि गुलशन ग्राउंड में लड़कियों की भर्ती किस तरह से हो रही है, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं, पूरा आप लोगों को दिखाने वाले हैं पूरा क्लियर वीडियो ग्राउंड्स का। ये ग्राउंड है गुलशन ग्राउंड जम्मू। आप लोगों को बता दें कि लड़कों की जो दौड़ है वो SDRF ग्राउंड में हो रही है और SDRF ग्राउंड के 8 राउंड है और मैक्सिमम बच्चे SDRF ग्राउंड में भी पास हो रहे हैं। लगभग 80 का एक बैच छोड़ते हैं और उसमें से 40 के आसपास बच्चे, 50 के आसपास बच्चे भी पास कर। उधर रजौरी में भी अच्छी पासिंग हो रही है। आप लोग पास हो रहे हो सभी बच्चे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आज ऐड हो जाओ ताकि आप लोगों को रिटर्न एग्जाम के रिलेटेड डिस्कशन हम कर सकें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो भी जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोगों को रनिंग दिखाने वाले हैं। आप लोगों को बता देख सकते हैं लड़कियों की रनिंग, ये है गुलशन ग्राउंड का व्यू। और आपको बता दें जिस तरह से लड़कियां रनिंग कर रही है, आपको सभी को एक ग्रुप में ये देख सकते हैं आप लोगों को क्लियर, ये मैट दिख रहा है ना, इस मैट पे आप लोग पांव रखेंगे आपको स्टार्ट हो जाएगा। अब कितने चक्कर लगाने हैं ये आप लोगों को ग्रुप वाले समझा देंगे। अगर 4 चक्कर लगाने हैं तो आप लोगों को पत्थर ले लेने हैं 4, एक राउंड होने के बाद एक पत्थर गिरा देना। देख सकते हैं कैसे लड़कियाँ दौड़ रही हैं। बट आपको बता दें कि दौड़ते समय आप लोगों को जो है आपका मुँह जो है वो पैरों के नीचे की तरफ होना चाहिए। अगर आप लोग ऊपर सीधा सामने देखोगे तो आप लोगों को सांस चढ़ जाएगी। धीरे 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 आपको दौड़ते रहना है। अगर आप लोग खिंच मारते हैं, तेज़ दौड़ते हैं तो आप लोगों को सांस चढ़ सकती है। इस मैट पर ऊपर रखने बाद देख सकते हैं ये गुलशन ग्राउंड ही है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है ये गुलशन ग्राउंड का है वीडियोस। बाकी आप लोग देख सकते हैं इतना अलाउ नहीं है वीडियो, फिर भी यहाँ पे हमारे पास एक वीडियोस सोशल मीडिया पर दिखा है, उसको हमने एडिट करके यहाँ पे बनाया है। देख सकते हैं किस तरह से लड़कियाँ दौड़ रही हैं। आप लोगों को बता दें जम्मू कश्मीर पुलिस प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्ती करा रहा है और बिल्कुल कैमरे लगे हुए हैं पूरे सिस्टम से, चेयरमैन बोर्ड जो भी है अच्छे से रिक्रूटमेंट को अंजाम दे रहा है। बाकी देख सकते हैं किस तरह से आप लोग चक्कर लगा रहे हैं, ये पूरा क्लियर चक्कर है। आई थिंक 4 चक्कर है आपका, ये आई थिंक 4 पता नहीं कितने हैं, जो भी आप लोगों को जितने ये बोलेंगे 4 ही होंगे आई थिंक, या 3 होंगे। जो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से लड़कियाँ धीरे धीरे, आपको तेज़ नहीं भागना, अगर आप तेज़ भागोगे तो आप रुक जाएंगे। कुछ लड़कियाँ रुक भी गई हैं तो देख सकते हैं लड़की रुक गई, बट आपको रुकते इसलिए हैं, रुक के भी हो फिर भी थोड़ा सा आपने पैदल चलना है और फिर दोबारा शुरू कर देना है। और आप लोगों को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से रनिंग करनी है, एक अपना माइंड अपर सेंस वहाँ पर रख के डिमोटिवेट नहीं होना कि इतना बड़ा ग्राउंड या इतना वो, आपका यही माइंड में रखना है कि मैं लगा लूँगी। ये देख सकते हैं मैट पड़े हैं, इन मैट पर पाँव रखेंगे तो आपका जो टाइम है नोट हो रहा है। आपको ये चिप सिस्टम पाँव में पहनाई होगी और आप लोग देख सकते हैं आपको एक नंबरिंग दी हुई है, बाद में आप लोगों का रिजल्ट निकलेगा। देख सकते हैं जिस तरह से रनिंग जल्द ही ये ग्रुप, हाँ देख सकते हैं साइड पे इस तरह के टेंट वगैरह लगे होंगे, ये ग्रुप जो टेंट में देख सकते हैं ये अभी आप लोगों की डॉक्यूमेंट्स होती है, जैसे उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट लेके आपको इन टेंट से गुजरना पड़ेगा जिसमें रजिस्ट्रेशन सेंटर रखा गया है और ऑनलाइन तरीके से आप लोगों की चेकिंग होगी डॉक्यूमेंट्स। ये देख सकते हैं पंखे वगैरह लगे हुए। बाकी आप लोग ये क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पे आपका अंगूठा वगैरह लिया जाएगा, बायोमेट्रिक जिसे बोलते हैं आप लोगों को, यानी कि आप लोगों को कंप्यूटर के आगे बैठना पड़ेगा। ये टीम स्पेशल टीम होती है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए मंगाई गई, जो कि कंप्यूटर पर आप लोगों का अंगूठा और आपकी पिक्स यानी कि फ़ोटो ली जाएगी ताकि आपको रिटर्न एग्ज़ाम देते जब आओगे तो आप लोगों को रिटर्न एग्ज़ाम देने से हम अंगूठा। ये देख सकते हैं ये सिलेक्टेड लड़कियां हैं और आपके जो नंबर हैं आपको इन्हीं नंबरों के आधार पर आपको वहाँ पर लिखा जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये गुलशन ग्राउंड है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर ग्राउंड है, साफ ग्राउंड है, सॉफ्ट और स्मूथ, मैक्सिमम बच्चे पास होंगे, कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर अच्छे से मेहनत की होगी तो धीरे धीरे हो जाएगा। ये देख सकते हैं ऐसे रनिंग करके ऐसे ग्रुप में आपको बिठा जाएगा, फिर आपको आपके नाम बोले जाएंगे। देख सकते हैं बोल रहे हैं ना सर, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, ये उन बच्चों के नाम बोले जाएंगे जो जो पास है, जो जो रिपेयर हो गए उनको बाहर भेज दिया जाएगा। टाइम आपका कंप्यूटर में ही काउंट होता है 6.5 मिनट्स, और आपको आपका जो चिप है वो आपको बता देगा कि इतने मिनट्स रहे हैं, 6.5 मिनट्स मिलेंगे आपको 1 किलोमीटर दौड़ लगाने के। सभी बच्चे पास होते हैं, कोई अगर 50 का ग्रुप दौड़ा ना, 50 में से कोई 10-15 लड़कियाँ वो ही फेल होंगी जो रुक गई हैं। अगर आपने धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट जब करनी है रनिंग तो धीरे स्टार्ट करनी है, और आपको बता दें कि तेज़ नहीं भागना है स्टार्टिंग में ही, कुछ तेज़ भागते हैं जो बीच में तेज़ भागते हैं फिर हो जाता है काम। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ ग्राउंड है, एक स्टेप के हिसाब से, एक रिदम के हिसाब से आप लोगों को रनिंग करनी है। ओके थैंक्स, कोई और अपडेट्स मिले जरूर आपको बताएंगे।